हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था स्पेशल संडे में यदि आपने कॉमर्स चुन लिया है कि अब हमको कॉमर्स ही लेना है तो बहुत ही अच्छा काम किया है। आधुनिक सब्जेक्ट आप कॉमर्स ले रहे हैं, अच्छी सब्जेक्ट की चुनाव हो चुकी है, इंटरेस्टिंग करियर विशेष सब्जेक्ट अगर आपने चुन लिया है तो अब आगे आइए हम आपको बात करते हैं। मैंने बताया था कि कॉमर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और मेन सब्जेक्ट हमारा होगा अकाउंट्स। मगर अकाउंट्स है क्या, कब कैसे उसका जन्म हुआ, उसकी क्या ज़रूरत है, तो इस सब इन सारी क्वेश्चनों का आंसर दिया जा सकता है। विश्व के इतिहास में जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था तो जितने भी लेन देन होते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बाटर सिस्टम से होता था। बाटर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वस्तु से लेन देन, जैसे फॉर एग्जांपल अनाज के बदले कपड़े, कपड़े के बदले बर्तन, इस तरीके से कोई लेखा जोखा की ज़रूरत नहीं थी। यानी इतिहास में बहुत पहले यानी 1400 ईस्वी से पहले किसी भी तरह का लेखा जोखा की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस लेन देन से काम चलता था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें स्टैंडर्ड नहीं था, किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड प्रमाण नहीं था, क्वांटिटी को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक छोटी सी एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा उसे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि एक जंतु के बदले गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी हो, एक जंतु के बदले यदि एक बोरे अनाज मिलते हैं तो मैंने कहा मेरे को आधा बोरा ही अनाज चाहिए, तब तो जंतु को कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा आधा। यदि हम जंतु को आधा काट देते हैं तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वांटिटी को लेकर वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी दोष पाए गए। जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो लोगों ने अपने सर्विस और गुड्स को पैसे के माध्यम से विनिमय करने लगे। तो इस तरीके से ये देखा गया, जैसे जैसे मुद्रा का विस्तार होते गया वैसे वैसे लेन देन बढ़ती गई। आज जितने भी लेन देन हो रहे हैं वो मनी ट्रांजैक्शन कहला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी करोड़ों अरबों का लेन देन कर रही है एक दिन में, कुछ क्षणों में, तो क्या उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए? तो इसको रिकॉर्ड करने का श्रेय, इसको सिस्टम में लाने का श्रेय दिया जाता है लुकास पैसियोली को, जो कि इटली के रहने वाले थे। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बना दिया व्यवसाय को एक सिस्टम में ढाला, जिसका नाम पड़ा डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता लुकास पैसियोली, लुकास पैसियोली थे जिन्होंने इस सिस्टम का खोज 1494 ईस्वी में किया। ये रहने वाले कहाँ के थे? इटली। इटली में एक जगह का नाम है वेनिस नगर। वेनिस नगर के रहने वाले थे लुकास पैसियोली। इन्होंने बताया कि जब मनी ट्रांजैक्शन हो गया तो कैसे लेन देन को अच्छी तरह लिखा जाए। लेन देन को अच्छी तरह लिखने के लिए इन्होंने यह सिस्टम बनाया जिसका नाम पड़ा डबल एंट्री सिस्टम। लोगों ने पूछा कि सर इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम क्यों पड़ा, दोहरा लेखा प्रणाली क्यों इसमें दो बार लेखा किया जाए? तो उनका कहना था कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उसमें दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे राम को 500 रुपया दिया तो मैं देने वाला, वो पाने वाला। श्याम को 500 रुपये का माल बेचा, मैं बेचने वाला, वो खरीदने वाला। तो इस तरीके से कोई भी लेन देन हम करते हैं तो उसमें दो लोगों का होना जरूरी है, अकेला कभी लेन देन तो हो ही नहीं सकता। तो दो पक्ष पर आधारित होने के कारण
इसके दो पक्ष बनाए गए हैं। डबल इंट्री सिस्टम में दो पक्ष बनाए गए हैं, एक पक्ष को कहा गया डेबिट, डेबिट और दूसरे पक्ष को कहा गया क्रेडिट। डेबिट को डिनोट किया जाता है डीआर से और क्रेडिट को डिनोट किया जाता है सीआर से। अक्सर जगहों पे बैंक अकाउंट में कहीं भी डीआर और सीआर का ही शॉर्ट प्रचलन है। तो अब ये है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेबिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट क्या है और इसको कैसे जाना जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह अकाउंट्स जानते हो, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि डेबिट और क्रेडिट क्या है तो उस समय थोड़ा संकोच में आप पड़ जाते हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट दोहरा लेखा प्रणाली के दो पक्ष हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसको कैसे बताया जाए और समझाया जाए, तो डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए बिजनेस का रूल गोल्डन रूल जानना होगा। गोल्डन रूल ये बता देगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट क्या है ये पूरी तरह एक्सप्लेन करेगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल व्यवसाय के लिए बना कि व्यवसाय में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन का कोई और चोर नहीं, माल बेचा, माल खरीदा, किसी को दिया, किसी से लिया, व्यवसाय शुरू किया, बहुत तरह के ट्रांजेक्शन व्यवसाय में हैं। इन ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, तो इसके लिए बना डबल एंट्री सिस्टम। और सारे लेन देन किस रूल पे बैठाया जाए कि सारे लेन देन सही हो, तो उसके लिए बना गोल्डन रूल। आइए देखते हैं अब हम गोल्डन रूल। व्यवसाय के लिए जो रूल बना वो कहलाया गोल्डन रूल। जो भी लेन देन किए जाते हैं, कुछ वस्तु होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ आमदनी होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, कभी व्यक्ति से लेन देन होता है, कभी हमारे घर में संपत्ति आती है, कभी हम कुछ खर्च करते हैं, कभी मेरे को आमदनी हो जाती है, तो सर ये गोल्डन रूल कब, कैसे और कहाँ ऑपरेट किया जाएगा, तो इसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि पूरे विश्व के जितने भी लेन देन करने वाले वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनको बांटा जाए खाता में, अकाउंट्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, यानी खाते कितने हैं। अगर ये खाते हम जान लेंगे तब जाके गोल्डन रूल समझना काफ़ी अच्छा होगा। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के कितने काइंड्स होते हैं। अकाउंट्स के तीन काइंड हैं। नंबर वन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नंबर टू नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नंबर लास्ट रियल अकाउंट। आजकल आधुनिक समय में इन तीन अकाउंट को चार या पांच कर दिया गया है, लेकिन रियलिटी यही है कि ये रियल में तीन ही हैं। पर्सनल को और दो भागों में भी बांट दिया गया है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए कि ये तीन ही हैं। यदि आपको कंफ्यूजन से बचना है, डाउट से बचना है, तो आप ये जान लें कि ये तीन ही प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल, इंडिविजुअल नेम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, पंजाब नेशनल बैंक, HD जैन कॉलेज, CA इंस्टीट्यूट, RBI, जो भी नेम से होंगे वो पर्सनल अकाउंट होंगे। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, जो भी खर्च या आमदनी यानी कि एक्सपेंस और इनकम होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल, रियल का मतलब संपत्ति। हम कैश देकर फ्रिज लाते हैं, हमने कैश से बिल्डिंग खरीद लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको रियल कहलाती है, जो संपत्ति होती है। तो इन तीन खातों के आधार पर गोल्डन रूल भी तीन ही तैयार किया गया। तीन खाते के आधार पर, तीन तरह के लेन देन के आधार पर, तीन तरह के वस्तु,
खर्चे आमदनी या व्यक्तियों के आधार पर ही गोल्डन रूल भी तीन ही बना। तो आइए अब हम गोल्डन रूल को एक्सप्लेन करते हैं। आइए गोल्डन रूल देखते हैं कैसे क्या होगा। गोल्डन रूल सबसे पहले डेबिट द रिसीवर, रिसीवर एंड क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। नंबर टू डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट। नंबर थ्री ऑल एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इनकम्स आर क्रेडिट। ध्यान दिया जाए गोल्डन रूल, गोल्डन रूल पर ही आधारित है आपका पूरा डेबिट क्रेडिट। आप कभी भी कहीं भी नहीं फंसोगे अगर आप गोल्डन रूल को अच्छी तरह जान लोगे। कॉमर्स में जान ला देगा गोल्डन रूल, अब आपका कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। चाहे आप आईकॉम बीकॉम एमकॉम किसी भी क्लास की बात करो, कोई भी ट्रांजेक्शन की बात करो, तो गोल्डन रूल पर ही समाहित है पूरा का पूरा आपको अकाउंट्स। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव करता है वो डेबिट होगा और जो देता है वो क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल राम ने मेरे को 500 रुपया दिया, राम ने पंकज सर को 500 रुपया दिया, तो पंकज सर डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मैंने 500 पा लिया किससे, राम से, तो राम क्या हो गया क्रेडिट, पंकज सर डेबिट क्योंकि पंकज सर के जेब में पैसा गया और राम क्या हो गया क्रेडिट, यानी कि गिवर क्रेडिट और रिसीवर डेबिट। तो ये जो राम और पंकज सर की बात हुई तो इस अकाउंट को हम लोग कहेंगे सर जी पर्सनल, यानी कि राम और पंकज सर की बात हो रही है तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। नेक्स्ट डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कुछ भी आए या कुछ भी जाए तो ये आपको, कुछ भी आ रहा है तो वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। व्हाट मतलब यहाँ कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी तो आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर रियल अकाउंट, यानी बिल्डिंग आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, इसमें संपत्ति का लेन देन हो रहा है तो ये सर जी है रियल अकाउंट। और इसके बाद बात करते हैं सारे एक्सपेंस डेबिट और सारे इनकम क्रेडिट। एक्सपेंस और इनकम की बात आए तो इसको हम लोग कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से गोल्डन रूल पर्सनल, रियल और नॉमिनल पर आधारित है। यदि आप इसे अच्छी तरह याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तब आगे के कोई भी रूल्स चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जर्नल, जर्नल क्या है याद रहे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको गोल्डन रूल पर पूरी तरह से कमांड होना चाहिए तभी आप पढ़ पाओगे जर्नल। तो अगले क्लास में मिलेंगे तो जर्नल पढ़ेंगे। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कॉमर्स करियर सेंटर आरा। यदि आपको कोई भी डाउट होते हैं, क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका सही रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं।